सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भाव पुत्री आओ आप मेरे निकट आसन ग्रहण कीजिएगा। माता जी आप मुझे कुछ उपदेश बताइए। अवश्य पुत्री अवश्य। वैसे तो आप स्वयं धर्म की प्रतिबिंब हो, धर्म की पराकाष्ठा हो। आप ये जानती हैं कि एक स्त्री को उसके पति के सिवाय और कोई बढ़कर दुनिया में है नहीं, लेकिन आपने ये बात मुझसे पूछी है तो मैं अवश्य आपको ये उपदेश सुनाती हूँ। माते पिता भ्राता वाले हैं, ये सब एक सीमा में सुख देने वाले हैं वे पुत्री, लेकिन पति तो असीम आनंद और सुख देता है। धीरज धरने मित्र और परीक्षा होती है। हाय पुत्री, मैं अब आपको इस संसार में चार प्रकार की नारियां होती हैं, एक एक करके उन सबके बारे में आपको बतलाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। चार भात की नारियां जग के बीच अति उत्तम प्रथम है, फिर उत्तम मार्गम। हे पुत्री सीते, अति उत्तम, उत्तम और मध्यम और नीच, ये चार प्रकार की नारियां होती हैं। अति उत्तम वो कहलाती है जिनकी बस टेक एक ही हो, वो देह एक हो जाने प्रतियोगी विवेक एक ही हो। जो समझ रही है यह मन में दूसरा ना इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। हाय राजकुमारी, हे पुत्री सीता, अति उत्तम नारी वो होती है जो मन क्रम वचन और एक ध्येय एक विवेक और एक ही दृष्टि से मन क्रम से अपने पति के चरणों की सेवा करती है, और जो मन में ये समझ लिया कि पति को ही वो इष्ट मानती है, पति ही उसके लिए विधाता होता है और इस जग में उसके पति के सिवाय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे ऊंची विचार, उत्तम की धारणा कहती हूँ अवसार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन
मन से सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। हाय पुत्री, उत्तम स्त्री वो होती है जो तन मन से पति के चरणों में सेवा करती है और हर समय अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए यत्न करती है, जो उससे बड़ी उम्र में होते हैं हाय पुत्री उसको पिता के समान मानती है, और जो उसकी उम्र के होते हैं उसे वो अपना भाई समझती है, और जो छोटी उम्र के होते हैं हाय पुत्री उसे वो अपना पुत्र समझती है। ये है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अभिमाचन की बात सुनो सत्य देना। हाय पुत्री, उत्तम नारी के धर्म कर्म और ज्ञान मैंने आपको बताया है, अब आप मध्यम नारी की बात सुनिए। औरों को देखा देखी जो मर्यादा पाले रखती है, लज्जा भय और परिस्थिति से निजी धर्म अपना निभाती है, चंचल मन की होने पर भी संस्कृति के कारण भी की है, है। पुत्री, जो औरत दूसरे की देखा देखी अपने मर्यादा का पालन करती है, लज्जा भय और परिस्थिति वश जो अपना निज धर्म संभालती है, उसका चंचल मन होने पर भी वह संगति के कारण एक अच्छा व्यवहार करती है, वह नारी मध्यम श्रेणी की है। इससे भी नीची नारी जो वैरी दृष्टि जग के बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कल्पित करती है। पुत्री, नीची नारी निकृष्ट इस जग में नीच कहलाती है, वह अपने विवाह से जाति वर्ण कुल और जन्म को कलंकित करती रहती है। नारी का प्रतिवंचक होना दोनों ही जग बिगड़ना है, इस जग में लोग हसाई है उस जग में नरक यातना है। पृथ्वी पर कहता भला नहीं कोई, परलोक में भी ऐसी को क्षमा नहीं कोई। पुत्री, जो स्त्री पति वंचक होती है यानी अपने पति को धोखा देती है और खुद मौत और मस्ती में रहती है, उसके दोनों ही जग बिगड़ते हैं। इस जग में लोग हसाई होती है और उस जग में यातना नरक सह करती है, और अपने कुष्ठ कारण इसने गंदे विचार के कारण गंदे आचरण के कारण इस पृथ्वी पर उस स्त्री को कोई भला नहीं कहता है, और उसे विधाता भी परलोक में क्षमा नहीं करता है। हे पुत्री, जो इस तरह की स्त्री होती है वो जवानी में ही
पत्नी है, इसलिए है पुत्री, प्रत्येक स्त्री का यह कर्तव्य है कि वे जीवन में अपने स्वधर्म का पालन का विशेष ध्यान रखे और एक निष्ठ होकर के अपने पति की सेवा कर अपना जीवन को सफल बनाए। हे राजकुमारी, मैंने इन चार नारियों के बारे में जो कर्म के आधारित इस जग में उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं पतिव्रत धर्म के अलावा जो जग में उससे भी ऊंचा धर्म है मैं उसे बताती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। घर घर में सारे सजा कर पाओगे।
जाएंगे। हाय श्री सीता, मैंने इस तरह से आपको पति धर्म और शिशु पालन धर्म, इन सभी धर्म के बारे में अपना अनुभव बताया। हाय पुत्री, आप तो वैसे धर्म की पराकाष्ठा है, धर्म की साक्षात देवी है। आप तो स्वयं जानती हैं कि पति सेवा से बढ़कर इस संसार में और कोई सेवा नहीं है। मैं आप हे प्यारी सीता, हे राजकुमारी, मैं आपको कुछ वस्त्र और आभूषण प्रदान करूंगी जिन्हें आपको पहनना होगा। वे वस्त्र और आभूषण मुझे देव पत्नियों से प्रदान हुए थे, मिले थे, और मैं अब उन आभूषण और वस्त्र को आपको देती हूँ। आप उन्हें धारण करना, कभी मलिन नहीं होंगे, आपके मन को निर्मल रखेंगे, और उसके पहनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा, और रात को भी उसे बड़ा सुख होगा। जानकी जी को ध्यान भी दिया और नेतृत्व वस्त्र प्रदान किया। श्री अरुण मुद्गल जी, माता जी, आपने जो मुझे आज ज्ञान दिया है, मैं विधिवत इसका पालन करूंगी। धन हो देवी, धन हो सीता, आप धन हो। श्री अरुण मुद्गल 200 रुपए अनुसुईया के पाठ पर प्रसन्न होकर के भेंट करते हैं। कभी आए बेटी सीता, आप ये वस्त्र अब राम के साथ आगे बनने जाओगे, तो अभी ये वस्त्र और आभूषण आप धारण करना। जाइए, आप कुटिया में जाइए और ये वस्त्र और आभूषण धारण करके आइए। श्याम युवा मित्र मंडल की ओर से 100 रुपए भरत के पात्र में प्रसन्न होकर के देते हैं। जी माता जी, उनका धन्यवाद करती है। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।